प्रगति मारी लाडली। इधर तुम लोग रो रहे हो, उधर तुम लोगों के बापू सा रो रहे। मारे बापू सा भी रो रहे हैं। हाँ छोरा, आपने क्या कहा था कि मारे और वीर भैसे के बापू सा रो रहे हैं, जे सबको रोना कहते हैं। बच्चों से झूठ बोलने में शर्म ना आई थारे को? चल बड़ा, चल, रुको रुको। यकीन नहीं हो रहा कि तू यहाँ अपने हवेली आई है। अब लग रहा है कि मारे हवेली में दिवाली है। अरे थारे बिना दिवाली दिवाली ना लगे। अरे तू आ गई, वीर आ गया, गुड़िया आ गई। राधा आ जाती ना तो दिवाली तो और भी कमाल की हो जाती। अरे थारे इस हवेली और इसकी झूठी रौनक पे तो कब का थूक चुकी हूँ मैं। लेकिन आज थारी इस हरकत ने तने मारी नजरों से और गिरा दिया। जब थारा मारे ऊपर बस ना चला तो मारे छोटे छोटे बच्चों पे हुक्म चलाने लगे। सरपंच जी, अच्छा होगा कि हमें और हमारे बच्चों को भूल जाओ। इसी में थारी और इस झूठ की बुनियाद पे टिकी हवेड़ी की भलाई होगी। ना तो थारी लंका जलने में ना देर ना लगेगी। एक औरत के दिल से निकली हुई आ अच्छे अच्छों को तबाह कर देती है, तो थारी हवेली के चीज है सरपंच जी। मौरी ये बात याद रखना, नहीं तो थोड़ी जिंदगी नरक बन जावेगी। चल छोरा, रुक जा। कुछ बोल गई तो ठीक ना है, पर जाते जाते ना हमारी बात भी सुन के जा। रिश्ते को बनाना उतना ही आसान है जैसे रेत पर रेत से रेत लिखना, और रिश्ते को बिगाड़ना उतना ही मुश्किल से पानी पर पानी से पानी लिखना। और आज तक मैं सिर्फ यूं किया, रेत पर रेत पर रेत से रेत लिखा, थारा थारा हमेशा हमेशा थारा। पानी से पानी लिखा, मारा नाम, मारा नाम। जो कभी नजर नहीं आया, कभी नहीं। एक बार मारा नाम अपने दिल पर लिख कर देख, जब हम देते हैं जिंदगी पर रही छोटा तुम छोटो चमाने मत चमाने। थारी जिंदगी में मैं कभी आऊंगी, कभी आऊंगी। चल छोरा, we'll be right back.
वीर गुड़िया तुम दोनों को मना किया था ना वहाँ जाने को, फिर काहे गए दोनों वहाँ? मासा वो सूत्रे आई थी, कह रही थी कि बापू साहब बहुत रो रहे हैं, बस इसलिए गया था। वीर तुम्हारे को साफ साफ पता थारे को मासा चाहिए कि बापू साहब? मासा मुझे तो आप दोनों चाहिए। बहुत ही किस्मत वाले बच्चे हो गए हैं वो छोरा जिनको माँ बापू साथ दोनों का प्यार मिले हैं। कौन सी माना चाहती कि उसके बच्चों को उसके बापूसा का प्यार ना मिले? मैं भी चाह रही हूँ छोरा, बस सबके हालात एक जैसे ना हुए। मैं ये ना कह रही कि हम हवेली कभी ना वापस जाएंगे, हम जाएंगे, हम जरूर जाएंगे, पर तब जब थारे बापूसा सुधर जावेंगे, वो अपनी खराब आदतें छोड़ देवेंगे, तब हम जरूर जावेंगे। लेकिन तब तक हम सबको मिलकर यही रहना होगा। ना तो मन्ने बहुत दुख होवेगा, हमारे कुमारे वीर और गुड़िया हमारी बात जरूर मानेंगे, मन्ने तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। बोलो वीर, बोलो गुड़िया, थारे को याद है ना कैसे थारी मासा को धक्के मारकर बाहर निकाला था हवेली से? कैसे थारे को कमरे में बंद कर कर रखा था? बोल गुड़िया। हाँ मासा। ताईसा राणा ताईसा, अब मैं कभी भी हवेली ना जाऊंगी, मैं आपको और मासा को छोड़ के कभी ना जाऊंगी। मैं भी कभी ना जाऊंगा मासा। और ताईसा ये सब मैं कभी ना भूल सकती हूँ। अभी तक परेशान हो भाई साहब? आप ही कहो ना कि बगात आने पे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा भाई साहब। क्या ठीक होगा लल्ला, क्या ठीक होगा? वसुधा के बारे में सोच रहे, उस बारे में तो डर है कि जब मारा वीर बड़ा होगा वसुधा से कोई सवाल पूछेगा उसके पास जवाब नहीं होगा। मारा अकेले लल्ला, अकेलेपन की आदत है, और वसुधा तो अकेली रह जाएगी ना हमेशा, और अकेलापन किए हुए मारे को पूछ लल्ला। ये कह दिया भाई साहब, मारे रहते हुए भी आप अकेले हो भाई साहब, मारा तो सिर्फ शरीर है भाई साहब, और आत्मा तो आप होना, फिर भी अकेले हो। लल्ला
थारे को के बोलू तू के है, मारे दिल में रहे तू, पता नहीं कौन सी मूर्ति धारण किया जो थारे जैसा भाई मारे को मिला, जो तू ना होता तो मारा क्या होता लल्ला, मैं तो पूरी तरह से टूट जाता। मारी शक्ति है तू लल्ला, के बोलते इंग्लिश में थैंक यू। मैं भी कहूं अंग्रेजी में बोल, तू हंसोगे तो नहीं ना, सेम यू। फिर मूड ठीक कर दिया मारा तू, हाँ बोल रहे नन को हुकुम, लगता है आजकल भगवान हम पर बहुत मेहरबान है। क्यों गेरे, कौन सा भगवान से तूने वो ब्लैंक पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया? अरे हुकुम, ये एग्रीमेंट तो उसी दिन हो गया था जिस दिन आपने मुझे उप प्रधान बनाया था। कौन दे मारे को? अब तो उस एग्रीमेंट को मैं कैश कर रहा हूँ हुकुम, कैश। रुक रुक, भाई साहब बात करेंगे। क्या बोल रहे? बड़े हुकुम फिर एक बार बड़ी महापंचायत का। अरे हुआ क्या, सब ठीक है ना? सब ठीक है हुकुम। आज ये थानेदार नहीं है ना छोटा ना, ये आज फिर आई थी जय प्रगति के घर पे सर्च वारंट लेकर। बोले चौटाला? अरे जे पुलिस वाली चौटाला। चल ठीक है, कल हवेली में आके मिलना। खम्मा गड़ी हुकुम। ये भाई साहब तब ठीक है ना? अरे वो चौटाला का ट्रांसफर करा दिए थे ना, अभी तक जौहानपुर से निकल जाना चाहिए था। और प्रगति के आ गई थी वारंट लेकर, सर्च वारंट। कौन है वो जो चौटाला की मदद कर रहा है? पता लगाना होगा लल्ला। जी भाई साहब। जा तो पता लगा। जी भाई। जा। कल सुबह जाकर मैं अरुणा दादी से ऐसे मिलूं, हो सकता है वो कोई ना कोई रास्ता बताए। अब कोई ना है हमें रास्ता बताने वाला, जो भी करना है हमें ही करना है। मुस्कान की डली हमारी ला।
छोड़े। उदय चलो आओ खाना खा ले। मैं ले चली तो तन्ने बहुत भाग दौड़ करनी है, बहुत काम करने हैं। ये खाना ना खावेगी तो कैसे चलेगा? उधर आ जा तू, और तीनों एक ही थाली में खा लेना है। रास्ता बताने वाला, जो भी करना है हमें ही करना है। देखा ना तन्ने दिन में जब पुलिस आई थी, और सबसे पहले गुस्से में निकलने वाली वो ही थी, और उसके बाद फिर बुआ। उन्हें तो मौका मिलना चाहिए हमें कोसने का, ताने मारने का। दादी साहब, पर शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी ही पड़ेगी ना। ऐसे हाथ पे हाथ धरे रखने से क्या होगा? मैं उनसे बस एक बार पूछ तो सकती हूँ ना। ठीक है छोरी, देख ले पूछ के, पर मन ने तो ना ला। इस गांव में कोई भी हमारी मदद करेगा। आप कहो तो जे छोरी प्रगति को भी भेज दो अपने बाप के पास, वहीं गोकुल धाम में। उसको इतनी आसान मौत ना देनी, इतनी आसान मौत ना लिखी उसके लिए मैं।
बड़े हुकुम कीजिए हो छोटे हुकुम कीजिए हो हुकुम। मैंने जब प्रगति के लिए ऐसा प्रबंध किया है कि अब अगर भगवान विजय प्रगति की मदद करना चाहेगा तो भी प्रगति ना बच पाएगी। ऐसा इल्जाम लगाया चोरी का जय बनवारी पर, ऐसा इल्जाम लगाया है कि हुकुम पूरे चौहानपुर में इन पर थू थू हो रही है। और फिर मैंने भी कह दिया बड़े हुकुम कि जय का फैसला मैं नहीं, जय का फैसला हमारे बड़े हुकुम करेंगे। और यह सुनते ही वो बुढ़िया गिड़गिड़ाने लगी। हुकुम ऐसी हालत कर दी पूछो मत। अरे मारा घोड़ा तो बहुत तेज दौड़े है। मेरे को बात बता लल्ला जी भाई साहब, कौन सा इंजेक्शन लगा दिया है सर? कहाँ लगाया मारे को बता भाई साहब। इंजेक्शन तो इस घोड़े को भी वही लगे जहाँ बाकी घोड़ों को लगे। लेकिन ये कमाल जो है ना भाई साहब, हाँ ये बुट्टी का है। हाँ वो है ना अपना पापा श्यामदेव। वो ये चबूतरे पे बैठे हैं बकरी के साथ। भाई साहब मैंने लगता है ये घोड़ा है ना आपका, हाँ ये प्रधान बन के ही मानेगा। मेरे को यही लगता है। बड़े हुकुम छोटे हुकुम, अब आप जो बनाओगे तो अच्छा ही तो बनाओगे हुकुम। अरे चुप रह बकर बकर बकर। भाषा मारे ये समझ नहीं आ रहा अभी प्रगति करेगी क्या? मैं बोलूं छोटे हुकुम, अब जय प्रगति कुछ ना करेगी, कुछ भी ना करेगी। बड़े हुकुम कुछ भी ना करेगी, अब जो भी करेंगे जय मारे बड़े हुकुम आप ही करोगे। छोटे हुकुम उन्होंने बनवारी के लिए 8 दिन का समय मांगा है, पर 8 दिन में लाएंगे कहां से? बनवारी तो गया गोकुल धाम, जहां एक बार जावे तो दोबारा वापस ना आवे। आप जे अपने घोड़े को आदेश करो बड़े हुकुम छोटे हुकुम, आप कहो तो जे छोरी प्रगति को भी भेज दो अपने बाप के पास वही गोकुल धाम में। उसको इतनी आसान मौत ना देनी, इतनी आसान मौत ना लिखी उसके लिए मैं। आने दे उसको महापंचायत, वहां कोई नहीं बचेगा मारे से, कोई भी नहीं। छोटे हुकुम कीजिए हो बड़े हुकुम कीजिए हो। तो थारा साथ दे रहा। सही कहा हुकुम आपने, अभी जो कहा था ना बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी है। अरुणा जी ने रुकवाया हमारा बाल।